जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पड़ड़ी गांव में एक विवाहिता ने अपने पति के साथ विवाद होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका पति से फ़ोन पर विवाद हुआ था। पति दिल्ली में नौकरी करता है और वह अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। इसी बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने फांसी लगा ली। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र के पड़ड़ी गांव निवासी पिंटू शर्मा की शादी वर्ष 2020 में धनसोई थाना क्षेत्र के ईनापुर गांव निवासी जयराम शर्मा की पुत्री अनीता के साथ हुई थी। मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोगों ने कहा कि पति और पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। सुनिए क्या कहा चौकीदार और घर वालों ने। सूचना यही घर वाले के आधार पर सूचना पाकर हम लोग वहाँ पहुँचे। देखे कि लटकी हुई है पंखा से, साड़ी में गर्दन में बांध के लटकी हुई है, खुद की है। हाँ, पुलिस पूछताछ किया। हम तो मान लीजिए कि चौकीदार हैं, हम अपने गांव थे, पुलिस वहाँ गया, हमारा इलाका है, पड़ी है, साहोपरा है, हरकिशनपुर है, तो हम हरकिशनपुर के हैं। हरकिशनपुर सूचना गया तो हम वहाँ से आए। मेरा नाम अक्षय कुमार यादव हुआ। लेकिन फांसी लगा ली भी अपने से, सुसाइड के लिए भी कोनो घर में कलेश नहीं है, कलह नहीं है, सास ससुर बान अपने आप जन बतो मान ली कि वो अपन एतु के लिए भी सास ससुर मानते थे। हाँ, ये बात नहीं थी, कोई आपस में विवाद नहीं है, आदमी उसका बाहर रहता है। अब आदमी औरत में क्या बात हुआ है क्या नहीं, ये न सास ससुर जानता है न माँ बाप जानता है। हाँ, मेरा नाम जयराम शर्मा है। बुच्चिया के माँ बाप भाई तो कहानी के ना, तो माँ बाप बुच्चिया के वे उनका मम्मी मारत रही अनिता तो कहानी के लड़के के मार के मुँह देवे तो हम कैसे खाए के न तो बनाओ, हम कैसे खाए मार के मुँह ये देवे लड़के लड़के ये बतिए हो जाता ने हम रोवे लगन के दूने जानी कह तब जाके लड़का हमारा छुआ मत हम कम लम पद तो नीचे बात जाके गए तो ना केवड़िया दे ले रही बदाम गोइनी हम चार गो रोटिया से कहें पकौ लेना रही तो पका के गोइनी तब देख तक केवड़िया बन बतिए हथवा लगा के पड़ा दवा हथवा लगा के पड़ा दवा हटा के देख तीन तो फांसी लटकल अपने से फांसी लटका ले रही हम ना जान के हेतु करी है लड़के लड़के 25 वर्ष के होते ही ना हो 24 के इन्नापुर इन्नापुर और काम कर मैं जेल बड़ी पहाड़ा दी जानपुर पहाड़ा दी। हाँ, पहाड़ा तो क्या लड़की के सास हुई तेतरा देवी फोन पे इतना गाड़ी इतना गाड़ी और लड़किया के कहतन कि अगर होई हो करो हो जमल के अपने बेटी के कहता हमारा के गाड़ी देता फोन पर यहाँ के लड़का हम यहाँ के समझावत नहीं हम माई है तू माई हौ गाड़ी मत द बचवा गाड़ी ना दिखल जला माई समझावा तरी तो केहू के घाव लागी तो केहू बोली कि ना बोली रब रे बताई लड़की का शादी तब हम मलिकार के अवधि हमारा नहीं के खेल कुछ ना ही 5 साल हो गए लड़की 2 बरिस के हो गई है ना से एगो लड़की भूल बड़ी 2 बरिस शादी कैला हो गल तो एगो बुचिया भूल बड़ी आ एगो हौका साल भर के बुचिया हो गई मान ली 4 साल के हो गई 4 बरिस हो गई। हाँ कुछ नहीं कि जाना था मर्द गोई रलान पूछा वो गोई रलान जा कि केवारी बना के ना जंगल था ये जो सास बड़ी पूछ नहीं उनकर बच्चा मत 4 दिन में जंगल केवारी खुल बना के आइला ना हम का बाल कहतल के माई फोनवा पर फुआर को गाड़ी देता रे माई का करी कुछ बुझात नहीं के हम कहनी के विदा कर तनि भाई मार दा कहनी के लिया के भैया जात और सास कहत रही कि हम विदा कर दे जब बोले तब विदा कर उ विदा ना करत कहत कि ना तोर जही के नहीं खे कहत के मम्मी बोलवाई ना उनका के बोलवाई हम नैहर चल जाई ये के अबे कहत रे हम घर ही ना पुतन सोई था ना कहिया ए जे पढ़ रही कर वाले रनी है लड़की की उम्र का होत
मलिका रहता तो पूछे ना हमारा नाम जाना पढ़ लिखल ना है हमारे सदी नाम।